मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक शानदार से प्लेटफॉर्म फन अकेडमी पर, और उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूँगा और आप लोगों की बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो आज मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा एक पेपर टू के लिए एक सेक्शन लेने वाला हूँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में वो सारे क्लासेस को ज्वाइन कर लें, और जो भी आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं उन क्लासेस को आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना है और रेगुलर बेसिस पे देखते रहना। चलिए, तो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग फील्ड, आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑफ एंटी कॉमर्स। दिस इज माय कोड, यू कैन यूज दिस कोड टू गेट 10% डिस्काउंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन। एंड आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चे अभी तक यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप लोग इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं जो कि अनअकैडमी। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया, सभी बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और आप सभी बच्चे लोग परफेक्ट स्टडी पार्टनर जो कि है अनअकैडमी, और आप सभी बच्चों की नेट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस आप लोगों को लॉन्च होने को मिलते हैं और ये कुछ टॉप सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा रेगुलर बेसिस पे। तो जहाँ पे आपको प्लस का और आइकोनिक का दो टाइप के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, और अगर आप आइकोनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों के प्लस में आपको ये सारे बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस मिलेंगे, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी प्लानर, ये सारी ही चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है, अगर आप आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। ये कुछ रहे आपके आइकोनिक और प्लस के बेनिफिट्स। अगर बात करें प्राइसेस की, तो आप लोग अगर प्लस की प्राइसेस की बात करें तो 24 मंथ से लेकर 1 मंथ तक की वैलिडिटी आपके पास अवेलेबल है। जरूरत है आपको इस कोड की इस्तेमाल करने की, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके साथ ही, तो आपको ये बेनिफिट्स बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को देता है, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले चाहे आप आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन ले, दोनों ही बेनिफिट्स आप लोगों को दोनों जगह प्रोवाइड किया जाए। अभी 101 कोड का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है। तो प्लस आइकोनिक ये दो टाइप के सब्सक्रिप्शन, आपको बेनिफिट्स क्या क्या है इनको बता दिए गए। प्राइस है कि अलर्ट बार बार बताया जा रहा है कि अगर आप 3 मंथ का या फिर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द लें, क्योंकि इनके प्राइसेस हो रहे हैं हाइक। तो गाइज आप लोगों को जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आप 12 महीने का कोई कोर्स खरीद रहे हैं तो आपको 2 महीने का वैलिडिटी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और 2 महीने की वैलिडिटी भी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। तो ये बेनिफिट्स हैं आप लोगों के। कुछ बैचेस लॉन्च हो चुके हैं जो कि गुड़नला शिवा निगम की सरकार है, और न्यारे के बदगानी भक्तानी, और आपके पास नवदीप कौर मैम, और ये आपके बैचेस नवीन शेख सर का लॉन्च हो चुका है, तो आप इन बैचेस को रिजॉइन कर सकते हैं। आपको बक्स बाउंड्री प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप लोगों को कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, देन यू कैन क्लेम इन रिगार्ड्स ऑफ योर प्राइस, इन रिगार्ड्स ऑफ पर्टिकुलर इशू, और आप उस प्राइस को क्लेम कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल करना है बस आपको, ठीक है गाइस। और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा ये स्पेशल क्लास फीचर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पर आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हाल लर्नर्स के लिए पोल्स, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, इसलिए आपको डेली लेक्चर नोट्स आपको कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट इज, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार कौन सा है। चलिए जल्दी से बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स, कोस्पी, निक्की, नैसडैक या फिर डाउ जोन्स, क्या होगा आंसर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट इज, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर सभी लोग करेंगे बच्चे लोग। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट इज कोस्पी, निक्की, नैसडैक या फिर आपका डाउ जोन्स। चलिए, और जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े होंगे सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। सो आपका बिल्कुल जो आप लोग सोच रहे थे वही आंसर होगा, क्या सबके माइंड में चल रहा होगा सर क्या, तो वो चल रहा होगा नैसडैक, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या नैसडैक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट इज दिस, नैसडैक विल बी योर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यूएनडीपी, यूएनआईसीएफ या बोलो यूनिसेफ, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक? चलिए तो जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और बहुत इजी होते हैं और आप लोगों से पूछा जाता है बार बार पूछा जाता है और आप लोग तभी नहीं बता पाते हैं। चलिए और तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर आप लोगों का। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा बच्चों का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सही आंसर है। मैक्सिमम भाई यही थिंकिंग थी, यही आंसर होगा और फाइनली क्या होगा, यूएनडीपी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, यूएनडीपी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपका यूएनडीपी होता क्या है, सिंपल से ये एक ऐसे ही प्रोग्राम ही यही इसीलिए होते ही है कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए और वो भी बिल्कुल ह्यूमन के लिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जानते हैं सभी लोग, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूएनडीपी एक ऐसी संस्था है जो कि आपके एचडीआई रिपोर्ट को रिलीज करती है, आपके एचडीआई रिपोर्ट को क्या करती है बच्चों, रिलीज करती है। ठीक है, चलिए तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या यूएनडीपी, यूएनडीपी एक ऐसा संस्था है जो कि आपके एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करती है। तो गाइस इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट कोड अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन कंपेयर टू द यूरोपियन स्टाइल provides more freedom to option holders in exercising the option। यूरोपीय शैली की तुलना में यानी अमेरिकी शैली विकल्प धारकों को विकल्प का प्रयोग करने में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। आपको अगर ऐसा लगता है तो एसर्शन ये बोला गया है, और इसके पीछे कारण क्या दिया गया कि अमेरिकन जो स्टाइल ऑप्शन है वो कैन बी एक्सरसाइज ऑनली एट अ स्पेसिफाइड डेट, वो किसी स्पेसिफिक डेट पे ही किया जा सकता है ओनली, विच इज जनरली द एक्सपायरेशन डेट, जो कि आपका आमतौर में खत्म हो जाता है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे फटाफट, चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। क्या होगा आंसर, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हुए हैं गाइस। सभी स्टूडेंट्स बच्चे लोग आंसर करेंगे क्या होगा आंसर आप लोगों का। एग्जामिन करना है आप लोगों का, अमेरिकन स्टाइल जो ऑप्शन होता है वो यूरोपियन स्टाइल से थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में। चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कि आपका ए तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बट आपका आर एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आर एकदम बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 4। एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन तो ये समझिए, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपको। एसर्शन रीजन वाले पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, एसर्शन रीजन वाले और आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल और एनालिसिस पावर यहीं से देखी जाती है। ठीक है, तो फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड को आइडेंटिफाई करना है, द की स्ट्रेटजी बिहाइंड एक्वायरिंग अ कंपनी इज टू क्रिएट अ शेयर होल्डर्स की वैल्यू। मतलब क्या, जो सबसे की स्ट्रेटजी है किसी कंपनी को प्राप्त करने के पीछे की प्रमुख जो रणनीति, शेयर धारकों के मूल्य का सृजन करना है, क्या ये सही है? कॉन्ग्लोमरेशन इज अ मर्जर बिटवीन टू कंपनीज दैट हैव कॉमन बिजनेस एरियाज। कॉन्ग्लोमरेशन दो कंपनियों के बीच में जिनके पास समान व्यवसायिक क्षेत्र होता है। तो जल्दी से बताएंगे, और स्टेटमेंट 3rd भी दिया है क्या, एमआरटीपी एक्ट गॉट रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इन इंडिया। चलिए क्लियर है, तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आपका आंसर। जल्दी से फटाफट बताएंगे, सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए। Yes।
चलिए, तो आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, तो ये आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, मतलब क्या द की स्ट्रेटजी बिहाइंड एक्वायरिंग अ कंपनी इज टू क्रिएट शेयर होल्डर्स वैल्यू, स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। और स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, जो एमआरडीपी एक्ट है वो रिप्लेस किया गया था 2002 में। अच्छा, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, कॉम्बिनेशन इज अ मर्जर बिटवीन टू कंपनीज दैट हैव कॉमन बिजनेस एरियाज। नहीं नहीं नहीं, देखो सही तो लिखा है, कॉन्ग्लोमरेशन के बारे में लिखा है ना, देखो कॉन्ग्लोमरेशन लिखा तो सही है, बट दिक्कत क्या है, कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए, मतलब इसका एक तरह से समझिए कि दो, या आप ऐसे समझिए दो से ज्यादा, यहाँ पे सिर्फ ओनली टू कंपनीज लिखा है, सिर्फ दो कंपनी नहीं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, टू एंड टू मोर, दो से ज्यादा कंपनियों का जब मर्ज किया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोगों का, कॉन्ग्लोमरेशन। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति के साधनों की पहचान कीजिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसी के टूल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों के दो टूल्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी के टूल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, और कुछ इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के भी टूल्स हैं। कौन कौन से इसमें आपको फिस्कल पॉलिसी के टूल्स नजर आ रहे हैं, जो कि हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डेफिसिट फाइनेंसिंग, टैक्सेशन या रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो इनमें से आपके कौन से ऐसे लगते हैं जो कि फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे। चलिए तो जल्दी से फटाफट बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है या आप सभी बच्चों के लिए, तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा आप सभी बच्चों का, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। तो सभी का आंसर हो जाएगा डी। तो जैसे कि आप लोगों को फिस्कल पॉलिसी आप लोगों को बताया भी गया है कि क्या होता है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल प्ले होता है उसके अंदर, और आपका जो आरबीआई होता है मॉनेटरी पॉलिसी को रन करता है। और फिस्कल पॉलिसी के अंदर ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपका सबसे बड़ी चीज क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या कितना करना है, क्योंकि सरकारी जो खर्चा करती है या फिर वो आरबीआई आके खर्चा करता है, कि पब्लिक की जो भी चीजें डिमांड्स हैं और जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स है वो कौन करता है बेटा, आरबीआई तो करता नहीं है, वो कौन करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन करता है बच्चों, सरकारी करती है। तो क्या है बच्चों, फिस्कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, अच्छा चलो छोड़ो, आपको पहले फिस्कल पॉलिसी के बारे में बता देते हैं। तो फिस्कल में और आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेशन, कितना टैक्स करना है। आज से जीएसटी लागू हो गया, जो आपको पता है, किसने, सरकार ने किया था या आरबीआई के गवर्नर ने आके किया था, नहीं, ठीक है, तो सरकार ने के ही वो अंदर में रन किया जाता है। क्लियर है आप सभी बच्चों को। फोर्थ और क्या, आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब सरकार को लॉस हो जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है पता है आप लोगों को, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, जब सरकार को हो जाता है लॉस, कहने का मतलब ये है कि जब आपका ऐसे, यहाँ पे समझाते हैं, थोड़ा जगह यहाँ पे बच जाएगा, चलिए चलिए आपको बताते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिर इसके बाद थोड़ा सा और भी चीजें आपको बता देते हैं। चलिए चलिए, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, जब सरकार के जो रिसीट्स हैं, जो सरकार के रिसीट्स हैं वो ज्यादा हो जाए, सॉरी वो कम हो जाए, और आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपके सरकार के एक्सपेंडिचर्स हैं, सरकार के एक्सपेंडिचर्स मतलब आपके लिए, मतलब सरकार के एक्सपेंडिचर्स, वो क्या हो जाए बच्चों, कम, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, रिसीट्स क्या हो जाए, कम हो जाए, और एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो आपको ऑब्वियसली मान लीजिए 100 रुपए आया है आपके पास, लेकिन जो खर्चा है वो आपका हो गया कितना, 150 हो गया है, खर्चा कितना हुआ बच्चों, 150, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो, -50, मतलब क्या, आपकी जो फाइनेंसिंग है, जो फाइनेंस है वो अभी आपके पास क्या है बच्चों, नेगेटिव है। क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी शो करता है, ये क्या होता है, डेफिशिएंसी शो करता है। अब इसी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए आप तरह तरह के आइडिया अपनाओगे,
है कि नहीं है, तरह तरह के आइडिया अपनाओगे क्या? अगर आपके पास कोई सामान होगा तो उसको बेचने का कोशिश करोगे, तो सामान होकर बेचने की कोशिश करोगे, तो हम नॉर्मली वे में हम क्या बोलते हैं बच्चों कि हमारे पास कुछ अगर रखा हुआ है तो हम उसको बेच देते हैं, तो उसको सेलिंग बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर यही सरकार अगर काम करती है कि अपने कुछ स्टेक होल्डर्स या कुछ स्टेक्स अगर सेल करती है तो उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या कि अगर सरकार किसी भी प्रकार की अपनी चीजें अगर सेल आउट करती है, कोई भी एसेट्स या एसेट्स का पार्ट है कुछ भी अगर सेल आउट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट का कार्य करती है। हो सकता है क्या कर रही हो सरकार, अपनी चीजों लग्जरी चीजों पर टैक्स का इंक्रीज कर दे। हो सकता है क्या करेगी सरकार, हो सकता है क्या यही करती है, लिक्वर चीजें मतलब जो नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है, लिक्वर चीजों पे क्या करें, टैक्सेशन ज्यादा लगा दे, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा ज्यादा मतलब बैन करके या फिर हम इसको ज्यादा कर दे टैक्सेस। तो क्या होगा, इन पर जो आपका यहाँ से जो पैसे रिसीव होंगे, ये पैसे क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये जो 50 रुपए की जो डेफिशिएंसी थी, इस 50 रुपए को इस तरीके से फुलफिल किया जा रहा है, इस घाटे को इस तरीके से फाइनेंसिंग किया जा रहा है। तो इसी शब्द को बोलते हैं डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। आपके पास 50 रुपए क्या था, ये डेफिशिएंसी थी, 50 रुपए की डेफिशिएंसी थी कि नहीं थी, 50 रुपए की डेफिशिएंसी थी, इस डेफिशिएंसी को क्या कर दिया गया, फाइनेंस कर दिया गया, कैसे, आपका डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, टैक्सेशन के थ्रू और अदर चीजों के भी थ्रू, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी, ये भी हो सकेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार क्या कर देगी, कम कर देगी। आपको एक ऐसे एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है, सरकार ये काम करती है। तो क्या हो गया, ये फाइनेंसिंग का कार्य की किस चीज के प्रति, डेफिशिएंसी के प्रति, मतलब आपका डेफिशिएंसी कम हो गया, ठीक है, जो घाटा होगा 50 रुपए कम हो जाता है, ये तो हुआ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। फिर इसके बाद वहां पे आपका था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, आप लोगों को समझ जाए, ये थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर भी आपकी चीजें आ जाती हैं, क्या कि अगर आपको कोई भी आरबीआई, ये रन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और किस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या किया जाता है बच्चों, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर है आप सभी बच्चों को। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये होता है क्या, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है, सिक्योरिटी का सेल और परचेज करती है, सीधे ओपनली बोल देती है कि भाई जिसको भी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटीज का मतलब क्या, फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में जैसे आपके क्या हो जाते हैं बच्चों, चाहे शेयर्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, क्या कर देते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोल देगी आपको, जिसको भी खरीदना है। खरीदने का मतलब यह है कि बैंक को बोलती है, किसको, बैंक को, ठीक है। जब ये शेयर्स, और खरीदने को कोई भी खरीद सकता है हालांकि, ठीक है, तो आपको बैंक को ये क्या कर देती है बच्चों, बेच देती है। क्या बोल देती है बच्चों, बेच देगी, या फिर बैंक को बेच देगी, या फिर बैंक इनको बेच देता है, क्योंकि दोनों सिचुएशन आता है, सिचुएशन दोनों ही क्रिएट होती है, ठीक है। मार्केट में फंड ज्यादा हो, कैश की उपलब्धि ज्यादा हो, तो भी ये इस्तेमाल किया जाता है, कैश अगर कम हो तब भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मनी फ्लो कैसा होना चाहिए मार्केट के अंदर, या फिर यह हम पे मनी सप्लाई कैसा होना चाहिए मार्केट में, क्या कंडीशन है मनी सप्लाई को, उसको आधार, उस चीज को देखते हुए, उस आधार पर ये कार्य करती है आरबीआई। और किस का, और वो जो कार्य करती है वो किस टूल का इस्तेमाल करती है, उसके बीच में मॉनेटरी पॉलिसी, किस टूल का इस्तेमाल करती है बच्चों, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। समझ में आया आप लोगों को, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को मैं समझाने में ये चीज सफल हो पाया हूँ, क्लियर है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपको मुझे बताने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए स्टैटिक बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट इज दैट, स्थिर बजट और लचीले बजट के बीच मूलभूत अंतर क्या है, कि अ फ्लेक्सिबल बजट कंसीडर्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट बट अ स्टैटिक बजट कंसीडर्स ऑल द कॉस्ट। अब यहाँ पे ये बोला गया, या फिर बी, फ्लेक्सिबल बजट अलाउ मैनेजमेंट लेटिट्यूड इन द मीटिंग गोल्स, या वेर द स्टैटिक बजट इज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड स्टैंडर्ड। अब फ्लेक्सिबल बजट इज एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल डिपार्टमेंट ओनली बट अ स्टैटिक बजट फॉर अ एंटायर प्रोडक्शन फैसिलिटी। अ फ्लेक्सिबल बजट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी प्रोडक्शन लेवल विद इन द रेलिवेंट रेंज बट अ स्टैटिक बजट इज बेस्ड ऑन द वन स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। जिया नहीं जानता तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या कि एक फ्लेक्सिबल बजट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी प्रोडक्शन लेवल विद द रेलेवेंट रेंज बट ए स्टैटिक बजट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन।
कि कभी भी जब आपका प्रोडक्शन लेवल घट रहा है बढ़ रहा है तो उस पर आप कभी भी फ्लेक्सिबल बजट के थ्रू आप बना सकते हो या आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट आपका जो स्पेसिफिक अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन है तो वहां पे जिस बजट का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक बजट। क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक बजट, ठीक है, स्टैटिक बजट उसको बोलते हैं। तो ये आपका फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल का मतलब ऐसे भी समझ जाइए जब कोई भी चीज वेरी करती रहती है तो वहां पर फ्लेक्सिबल का वर्ड का इस्तेमाल तो वर्ड से ही लग रहा है, ठीक है, तो उसको हमें ऐसे ही समझ जाना है। क्लियर आप सभी बच्चों को? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। एक सेवानिवृत्त भागीदार अपने सेवानिवृत्ति के बाद किए गए दायित्वों के लिए उत्तरदायी बना रहता है। इफ अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, अगर वो जो अमाउंट पे नहीं किया है अगर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है अगर, या इफ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस, या किसी प्रकार का वो नोटिस सार्वजनिक नहीं देता है, या इफ ही स्टार्ट्स अ सिमिलर बिजनेस एल्सवेयर, या फिर उसने कहीं और ही अपना खुद का बिजनेस ओपन कर लिया, या फिर इन ऑल द सिचुएशंस टिल द सर्वाइवर्स, या वो हर एक सिचुएशन में ऐसा होगा जब तक वह सांसें उसकी चल रही हैं। चलिए तो आप सभी बच्चों का क्या आंसर होगा सेवंथ का, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों? इफ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? बी, इफ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन व्हाट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के तुलन पत्र में निम्नलिखित आस्तियों को किस क्रम में दर्शाया गया है? ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, या फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट। सो क्या आंसर होगा आप सभी बच्चों का? जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसके बाद फोर्थ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और इसके बाद फर्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स एंड सेकंड आपके पास कैश। ये चार चीजों का एक सही मायनिंग होगा, ठीक है। इन व्हाट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, तो सबसे पहला क्या होता है बच्चों आपके पास? फर्नीचर एंड फिटिंग्स, क्योंकि ये थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, राइट, तो ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स होगा, फिर इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वाले हैं, और सेकंड लास्ट होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म। तो आपको ये क्यों ऐसा बोला गया, ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया, रीजन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक कुछ टाइप दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक आपका फिक्स एसेट होता है, एक आपका करंट एसेट होता है, यही ना। आप लोगों का एक फिक्स एसेट्स होता है, एक करंट एसेट होता है। फिक्स एसेट वो एसेट होता है जो कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, करंट एसेट वो एसेट होता है जो आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कुछ टाइम पीरियड भी है, तो ये आपका एक साल से ज़्यादा होता है या आपका एक साल से कम होता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, फर्नीचर और फिटिंग्स क्या है आपके फिक्स एसेट। रोज रोज तो आप लकड़ी का काम नहीं करोगे ना, और फर्नीचर का मतलब सारी चीज़ें ही उसके अंदर आ जाती हैं, समझिए एक फिक्स एसेट्स के अंदर जो भी आप कोई लंबे समय तक के लिए करवा रहे हैं काम, है ना, फर्नीचर फिटिंग्स। अब आपका करंट एसेट के अंदर, और बाकी की जो चीजें जो ना नेक्स्ट चीजें में आई वो करंट एसेट में है,
ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट शेयर्स एंड बॉन्ड्स ये हो गया आपके पास इसका, क्योंकि आप शेयर्स और बॉन्ड्स में थोड़े लंबे समय के लिए और रुकते हो, लेकिन इतना नहीं, लेकिन इतना जरूर रुकते हो, इसलिए आपका इस नंबर पे आ गया। इसके बाद कैश और ट्रेड रिसीवेबल, ये दोनों तो आपके करंट असेट होते हैं क्योंकि ये फ्लो आपके चेंज होते रहते हैं इन विद द ईयर में पूरे, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट। व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज 2,20,000, द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज व्हाट? जल्दी से बताएंगे। When opening stock is 50,000, closing stock is 60,000 and the cost of goods sold is rupees 2,20,000, the stock turnover ratio is what? Two times, three times या फिर क्या होगा? जल्दी से फटाफट बताएंगे। What will be your right answer? सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट, फोर टाइम्स विल बी योर राइट आंसर, फोर टाइम्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि ये आंसर आया कैसे, आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आंसर आया कैसे। तो सबसे पहले क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? चलिए, तो आपका स्टॉक टर्नओवर, एक बार एक सेकंड इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, चलिए, तो इसके बाद आपके पास क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले क्या आ गया आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसके बाद आपके पास अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, कितना था हमारे, एक बार देख लेते हैं कितना अमाउंट था बच्चों, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था बच्चों, 2,20,000, राइट, और ये आपका एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालेंगे, इन्वेंटरी का मतलब समझते क्या होता है, जो आपके पास वर्किंग कैपिटल बचा हुआ है, वर्किंग कैपिटल कैसे पता चलेगा, आपका जो ओपनिंग स्टॉक है प्लस क्लोजिंग स्टॉक को दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एवरेज कैसे निकालते हैं, आपका टोटल प्लस करके जितने मेंबर्स है उसको डिवाइड कर देना उतने से, है ना, तो एवरेज आपका इन्वेंटरी कैसे निकलेगा भाई, एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलेगा, आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, राइट, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में टू, ठीक, ओपनिंग स्टॉक कितना था बच्चों आप लोगों का, ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई, ओपनिंग स्टॉक कितना था आपके पास, 50,000 था, राइट जी, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है, आप लोगों का 50,000 ओपनिंग स्टॉक था, प्लस आपका ये कितना था बच्चों आपका, 60,000 क्लोजिंग स्टॉक था, अपॉन में दो, ये कितना हो गया, 50,000 60,000 कितना हो गया आपके पास, 6 × 5 = 11, 1,55,000 आ जाएगा, राइट, कैसे है 55,000 पता चला, एवरेज इन्वेंटरी कैसे, 50,000 60,000 कितना हुआ, 1,10,000 हुआ, 1,10,000 को 2 से डिवाइड करूँ तो 55,000 आपका कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 55,000 आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गया। बस अब इसको क्या कर देना, आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बच्चों, 2,20,000 अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री कितना है बच्चों, 55,000, ठीक है, बस आप जैसे ही इसको काट कर देते तो 55,000 एक जीरो चल गया, तो 55 55 110, आप ऐसे समझिए, या तो फिर 3 से 3 0 राधे राधे, और 220 55 चौका 220, तो कितना टाइम्स आ गया बच्चों आपका, 4 टाइम्स आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर आप सभी बच्चों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो जल्दी से बताएंगे, क्लियर है सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या बच्चों, 4 टाइम्स विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, तो ये फास्ट अभी तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा फास्ट निकालना है कैसे, कि आपका स्टॉक रेशियो, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज रेशियो, और ये क्वेश्चन अगर पूछ गया तो समझिए आपके पास
हलवा पूछ लिया आपके, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स, जल्दी से बताएंगे, इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 6 टाइम्स, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 8000, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25% अबव द कॉस्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे फटाफट क्या होगा आंसर आप लोगों का। स्टॉक रेशियो आपके पास दिया गया है 6 टाइम्स दिया गया है, ठीक है, तो फटाफट आप लोगों को आंसर करना है क्या होगा बच्चों। आप ये समझिए, जो भी आपको जस्ट इसके पहले क्वेश्चन कराया गया है, जो भी आपको इसके पहले क्वेश्चन कराया गया, जस्ट उसी, मतलब उसी के ही आधार पे आपका होना है ये क्वेश्चन, पूरा उसी के आधार पे होना है, ठीक है। चलो, तो बच्चों का सी कैसे आ रहा है भाई, सी नहीं होना चाहिए आंसर, सी कैसे हो जाएगा आपको एक बात बताओ। आपको यहाँ पे क्लियर अभी जस्ट समझाया गया, आप लोगों को ऐसे समझना, देखो देखो, आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी जस्ट बताया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक बार ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, तो आपके पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, अकाउंट में एवरेज इन्वेंट्री, यही आया था, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है बच्चों, एक बार देख लेते हैं, आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया गया, एवरेज स्टॉक भी दिया गया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दे दीजिए और आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो क्या इसमें दिक्कत है बच्चों, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स ही तो नहीं दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब क्या, जो हमारी सामान की जो लागत है, वही तो निकालना है, तो इसको मान लेते हैं एक्स अभी कुछ देर के लिए, क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये आपके पास 6 टाइम्स दिया गया, ये कितना दिया गया आपके पास 6 टाइम दिया गया, तो इसको हम 6 ही लिख लेते हैं, एक सेकंड रुकेंगे, इसको हम कितना लिख लेंगे बच्चों, 6 लिख लेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या लिख लेंगे बच्चों, 6 लिख लेंगे, 6 लिख लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स को हम इसको मान लेते हैं एक्स, अपॉन में एवरेज इंटरेस्ट कितना दिया गया आप लोगों को, कितना दिया गया था भाई, एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, 8000, ठीक है, ये कितना दिया गया बच्चों, 8000 दिया गया, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 848000, राइट, क्लियर सभी बच्चों को, किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, ये आपके पास 48000 आ गया। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स, अब ये सिंपल सी बात है, इसके ऊपर अबव, मतलब इसका 25% मतलब क्या, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, जरा सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा आप बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, 48000 का 25% है कि नहीं है, 48000 का 25% कितना होगा, 12×48, ठीक है, 100 का एक चौथाई भाग कितना, 25% होता है, तो 48000 का चौथाई भाग कितना होगा, 12000 होगा, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, आप सभी बच्चों को अगर कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को कि 12000 क्यों आंसर आया इसका, सभी बच्चों को क्लियर है कि आप लोगों को 12000 क्यों आंसर आया, सिंपल सा था, वही जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया, इसमें क्या था आप लोगों को ये नहीं दिया था उस वाले क्वेश्चन में, और इसमें क्या है आप लोगों को एक वेरिएबल, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जितने वेरिएबल्स होंगे, जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे उसमें से बस जैसे 4 वेरिएबल्स है तो आपके पास 3 का दिया हो एक हम अपने आप निकाल लेंगे, अगर 3 वेरिएबल्स है आपके पास 2 दिया हो तो एक हम अपने आप निकाल लेंगे, तो इसी में यही सीन था कि आपके पास 1, 2, 3 वेरिएबल्स थे, लेकिन 3 वेरिएबल्स में से 2 दिया गया था जिसमें एवरेज इन्वेंट्री और आपको टर्नओवर रेशियो दिया गया था, दूसरा आपने निकाल ही दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स, और इसका 25% सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 12000 हो गया, दिक्कत खत्म, क्लियर सभी को, ठीक। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व ऑन ऑल पॉइंट्स इट हैज इक्वल स्लोप्स ऑफ द प्राइस डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, वेरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, बोथ स्लोप एंड प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल,
क्या होगा आंसर आप सभी बच्चों का, जल्दी से फटाफट राइट आंसर करेंगे। एक आयतकार अति परवलय के आकार की मांग वक्र इसके सभी बिंदुओं पर होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा आप सभी बच्चों का? तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी जब आपका हो जाता है, ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट हैज व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी, ठीक है, जब आपका क्या हो बच्चों? ए डी इज इक्वल टू क्या? यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब वन, ऐसे आप समझो, ए डी इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन केस ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म व्हाइल अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ऑपरेट्स एट एन आउटपुट लेवल वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम बोथ मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल या मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज कॉस्ट। अल्पविधि संतुलन के मामले में एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म असामान्य लाभ पर अर्जित करते हुए एक आउटपुट स्तर पर काम करती है जहां सीमांत लागत न्यूनतम है, औसत लागत न्यूनतम है, सीमांत लागत औसत लागत दोनों बराबर है या सीमांत और औसत दोनों लागत अधिक है। मार्जिनल कॉस्ट सभी जानते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट पे जो लागत लगती है उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एक यूनिट एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट पे जो भी एक्स्ट्रा आपका आपका लागत लग रही है उस लागत को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? आपके पास जितने टोटल लागत लगी है, पूरा जितना लागत लगा है पूरा प्रोडक्शन के अंदर जितने भी टोटल लागत लगी है उसमें अगर हमें एवरेज निकाला जाए तो हमें हम बोलेंगे एक एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में, मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट 100 पेंस का प्रोडक्शन आपने किया, ठीक है, 100 पेंस का प्रोडक्शन किया, आपकी लागत आई मान लीजिए 10,000 रुपये आया। तो मैं ये पूछूं भैया ठीक है लेकिन एक पेन को बनाने में कितना खर्चा आया, कितना खर्चा आया फिर कितना लागत आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट, जिसको हम एसी बोलते हैं। और इसका शेप कैसा होता है? यू शेप का होता है। कैसा होता है बच्चों? ए शेप का, यू शेप का होता है। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, वो भी कैसा शेप का होता है? ये एसी भी, एबीसी भी और आपका एमसी भी, ये तीनों ही शेप क्या होते हैं बच्चों? यू शेप के होते हैं, ठीक है, तीनों ही क्या होते हैं बच्चे? यू शेप के होते हैं। क्यों होते हैं यू शेप के? ये भी रीजन आपको पता है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? क्या होता है कि आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते रहते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है आपका प्रोडक्शन, फिर इसके बाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, फिर आपका क्या हो जाता है बच्चों? आपका जो प्रोडक्शन है वो घटने लगता है, घटने लगता है। तो आपका वो हुआ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके अंदर तीन चीजें हैं, क्या? आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए स्केल और आपका आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए स्केल। ये तीन चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया इसका कि आपको क्या मार्जिनल कॉस्ट होता है, क्या एवरेज कॉस्ट होता है, कहाँ पे ये क्यों किस शेप का होता है और क्या यहाँ पे कैसा क्या देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए क्लियर सभी के अंडरस्टैंडिंग? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है कौन सा स्टेटमेंट? नॉर्मली अ प्राइस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आर द सेम, स्केल और स्कोप दोनों ही सेम होते हैं। फॉर ऑप्टिमाइजेशन
इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज नेसेसरी या कंडीशन बट इट इज नॉट अ सफिशियंट वन. या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिनोट्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ड्यूरिंग शॉर्ट रन. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है. आमतौर पर एक मूल्य मांग वक्र बाधाएं जो बाएं नीचे की ओर ढलान करता है, या पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और दायरे की अर्थव्यवस्थाएं समान है, या अनुकूलन के लिए सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता एक आवश्यक शर्त है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. परिवर्तनीय अनुपात का कानून शॉर्ट रन के दौरान इनपुट आउटपुट संबंध को दर्शाता है. तो क्या आंसर सही होगा जल्दी से बताएंगे. तो फटाफट आप सभी बच्चे लोग और जितने भी स्टूडेंट्स आए होंगे सभी लोग लाइक और शेयर क्लासेस को जल्दी फटाफट करते जाएंगे जरूर. ठीक है, तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आदि दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं. क्या होते हैं? दोनों ही सेम होते हैं. क्लियर है आप सभी बच्चों को? दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं. क्लियर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों? मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी थी फर्स्ट क्रॉस डिमांड रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अदर कमोडिटी इज ओलिगोपोली स्कीमिंग द स्क्रीम पॉलिसी कार्डिनल अप्रोच या प्राइस रिजिडिटी पायनियर प्राइसिंग. सो क्या होगा? आप सभी बच्चों का आंसर फटाफट आंसर करेंगे. आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. सभी बच्चों का जिनका आंसर सी आ रहा है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे. जिन बच्चों का भी आंसर सी आएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर सी. ठीक है, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड ये एकदम बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी वी कैन से इन अ ओलिगोपोली एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अदर कमोडिटी वी कैन सी इन पायोनियर प्राइसिंग एंड फर्स्ट यू कैन से स्कीमिंग क्रीम पॉलिसी यू कैन देख क्रॉस डिमांड एंड लास्ट आपके पास थर्ड देखने को मिलता है क्या? प्राइस रिजिडिटी जो कि आपको कार्डिनल अप्रोच में देखने को मिलता है. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं. आपके पास क्या दिया गया था? फॉलोइंग आर द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. पी और पी आपको दिया गया है. पी और पी दिया गया है क्या? पी इज इक्वल्स टू 12.03 क्यू एस आपका क्वांटिटी सप्लाइड दिया गया है और ये आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड दिया गया है. राइट, सो क्या होगा आपका? जल्दी से फटाफट राइट फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर. इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस वुड बी व्हाट? इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस आपका क्या होगा? जल्दी से फटाफट आप सभी बच्चे लोग बताएंगे. ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा. क्या बच्चों? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा. ए विल बी योर राइट आंसर. ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. क्लियर है आप सभी बच्चों को? ए बोले तो क्या आपका 24. प्राइस कितना हो जाएगा आपका? इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 24. अच्छा, इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस और आपको इक्विलिब्रियम मार्केट क्वांटिटी पता है किस तरीके, मतलब ये सॉरी ये इनका मतलब क्या होता है? जिस भी प्राइस पर आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा होगा, जिस भी प्राइस पर आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा होगा उस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस. और जिस भी क्वांटिटी पर आपका मार्केट का डिमांड और मार्केट की जो सप्लाई है वो इक्वल हो रही होगी उसको बोलते हैं आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम मार्केट क्वांटिटी. तो ये आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट इज़ द बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है आप सभी बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को परफेक्टली तरीके से ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा आप सभी स्टूडेंट्स को। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो आज इतना ही करते हैं इस पूरे उसमें सेक्शन में। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, 45, 49 जल्दी से फटाफट बताएं। चलिए तो आपका आंसर क्या, आप तो आज के लिए इतना ही करते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है क्वेश्चंस, और आपको ध्यान रखना है इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है अभी 101। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स को। और जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है किसी भी कोर्स में, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज देखना चाहते हैं तो आप उनमें एनरोल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो अभी 101 इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। और आप सभी बच्चे लोग जो भी अभी पहली बार आए हैं क्लासेस में और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ऑल पर क्लिक कर देना है जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक जरूर करना है बच्चों, क्योंकि आप सभी बच्चों के एक लाइक से हम लोगों का मोटिवेशन लेवल जो और है बढ़ जाता है आपके एनर्जी बढ़ाने के लिए। सो आप इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। और फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो बच्चे मतलब किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी से जुड़ना चाहता है तो वो बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चंस को डायरेक्ट जुड़ सकता है और अपना वो कर सकता है। ठीक है, तैयारी अपनी पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो इससे ये आपका बिल्कुल शानदार सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सकती है। सो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लासेस अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी और बढ़िया लगेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक ऐसे ही शानदार से क्लास में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिल से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।